स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारा होटल न्यूज में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल होटल न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल में घोर बेइज्जती। ये बेइज्जती हुआ कैसे, आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 राज्य ये यास चक्रवर्ती तूफान था, इसे बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रदेश इस यास चक्रवर्ती तूफान से काफ़ी परेशान नजर आया। ममता बनर्जी ने बता ही दिया था कि मेरे पश्चिम बंगाल में लगभग 3 लाख घरों की बर्बादी हुई है और लगभग 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इसी बात की जायजा लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की दौरा पर थे, यानी हवाई भ्रमण पर थे और वहां पर गए। और एक ही कैंपस में होने के बाद, एफईएफ ऑफिस में होने के बाद, अब मोदी जी आके ममता बनर्जी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी उस बात को जानते हुए भी मोदी की मीटिंग में शिरकत आधा घंटा लेट से किए। और आधा घंटा लेट से इसलिए किए कि जब पिछले कुछ दिनों से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रही थी और उस दौरान वो मामला काफी नोकझोंक हुआ था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और जिससे मामला काफी उठा पटक चल रहा था। और जब आज हवाई भ्रमण करके मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और वहां कर जो इस चक्रवाती तूफान में जितने भी लोग प्रभावित हुए उसका हाल पास जानने के लिए गए थे, लेकिन ममता ने लगभग आधा घंटा लेट से गए। आधा घंटा लेट से इसलिए गए कहे कि बीजेपी का प्रतिपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था, जिससे ममता बनर्जी काफी गुस्सा में थी, खफा थी, इसलिए वहां पर आधा घंटा के बाद गई। और जाने के बाद ही जब मोदी ने उनसे पूछा, यानी उनके अधिकारियों ने जब पूछा कि आपके प्रदेश में कितने भी नुकसान हुए, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, आपके उसके बारे में क्या डिटेल है, तो ममता बनर्जी ने जितने भी डिटेल थे उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, बंद उपाध्याय को, उन्होंने मोदी को हैंड ओवर कर दिया। और हैंड ओवर करने के बाद वहां से एक पल भी ना रुके और वहां से ममता बनर्जी चलते बने। दोस्तों, सोचिए कि कितना घोर बेइज्जती है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर देश की प्रधानमंत्री का इस प्रकार से भारी बेइज्जती करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इज्जत क्या है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद से मोदी ने उड़ीसा का भ्रमण किया, वहां से जाना, और झारखंड का भी दौरा किया। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया का बजट पास किया है। जो भी प्रदेश इस यास चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित हुए हैं उन सारे जिलों में, उन सारे प्रदेशों में इस प्रकार के पैसा खर्च किया है। हमारे झारखंड को 227 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिससे जो भी लोग इस यास चक्रवर्ती तूफान को झेले हैं, प्रभावित हुए, उन लोगों को इसका खर्च कराया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे हटेला न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मैं आपके बीच इस प्रकार से नए और खूबसूरत वीडियो लेकर आता रहूं, ताकि आपको भी मजा आए। नमस्कार, धन्यवाद।